पे डासिया का साउंड आता तो फटाफट से इनको पेलते, थोड़ा डैमेज दिया कोई ना। चल भाई तू घर पे जा अपने। और ये भाई साहब पता है कहां से घूम के आ रहे हैं, देखो अब इसकी भी पेटी बनाते हैं, फटाफट से आ जा भाई। अब बेबी कोई बात नहीं भाई। तो यार और मेरे भाई लोग यार क्या हाल चाल। तो यार आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक और बार इस इवेंट पे अपना मुंह रगड़वाने, मतलब कि यार फिर से मरने, मतलब यार होता है कभी कभी मर जाते, कोई इशू नहीं। तो यार देखो यार तुम्हारे भाई के आज किस तरह से चाकू पड़ते हैं, मतलब अब वो तो यार आपको देखना ही है। मतलब एक बंदा बहुत ही गलत मार देता भाई मेरे को यहाँ पर। तो यार अभी देखो यार यहाँ पर मैं उतरता हूँ तो सबसे पहले यार इंपॉर्टेंट रहती है गन। गन मिल जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चांस बन जाता है कि भाई अपने जैसे तो, और सामने एक बंदा था तो इसको पेलते हैं। अब पूरा फिनिश हो भाई। चलो ठीक है यार, जैसे मैंने इसको मारा तो यार इसके आगे की तरफ यहाँ पे एक और बंदा दिखा था बिना गन के, तो सोचा उसको भी पेलूं। अब यहाँ पे रिलोड आया मेरा, बट भाई मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही भाई, पिंग मेरा ही आ रहा है उसका, और एक बंदा देखो ये बिना गन के आ रहा, और भाई ये देखो मेरी गन खत्म। मैं सोचा सामान मारूं इसको बट बच गया जैसे गन उठा रहा था, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत सरप्राइज मिल गया मतलब इस बंदे की तरफ से। मेरे को एक बार के लिए लगा भाई कि वो पीछे चले गया, बट वो पीछे नहीं था, वो जस्ट मेरे पीछे था। उसने कैसे मारा भाई, सही मारा बट जैसे भी मारा। एंड उसके बाद जाते हम लोग सीधा वापस से कहीं और, मतलब के बंदों को भी मार। तुम्हारा भाई आ जाता है यहाँ पर इस वाले पे, एंड इस वाले पे मतलब के ये वाले पे लैंड पे जो भी बोलो इसको, मेरे को नहीं पता बट ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो यार यहाँ पर एक चीज़ का भाई ध्यान से ध्यान रखा करो, क्योंकि भाई बंदा कहाँ पर होता है भाई कुछ भी नहीं पता रहता है। और मैं जाता हूँ आगे की तरफ क्योंकि यार यहाँ पर जो है पैराशूट खुला था, तो मेरे हिसाब से जो आगे की तरफ यहाँ पर बंदे होने चाहिए। एंड यार जैसे ही मेरे को थोड़ा बहुत साउंड या कुछ आता है तो मैं जाता हूँ सीधा का सीधा आगे की तरफ। और बंदा जो था वो बीच में पता नहीं क्या कर रहा था भाई यहाँ, तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो ये अंदर पता नहीं मतलब कुछ तो कुछ कर रहा था, एक बार के लिए मेरे को लगा भाई साइड में जो है बंदा था, बट ये जैसे बाहर निकलता है वैसे इसकी पेटी बना देता हूँ मैं। देखो ये आया, और भाई कोई चक्कर ना भाई, इसको तो यहाँ पे लपेटी लिया जैसे तैसे। एंड आगे तरफ यहाँ पे मैं जाता हूँ तो भाई यार यहाँ पे मेरे को दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा था। मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि भाई और भी बंदा है, बट थोड़ा ब्राइटनेस फुल कर लेते हैं भाई क्योंकि बंदे यहाँ पर दिखते थोड़े से। एक बार के लिए ये बातें पीछे रखते हो, अब यहाँ पर जो एक बंदा उतरा था मतलब आगे की साइड ही, तो यार पहले यार ये वाली पेटी लूटता हूँ एंड उसके बाद जाते हैं उसको पेलने के लिए। तो अब यहाँ से जैसे मैं देखता हूँ तो वो रस सामने मेरे। अब भाई ये कर क्या रहा था भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, बट ये कर क्या रहा था। बट जैसे ही देखता हूँ यार राइट साइड में तो एक और बंदा उतरा रहा था। चलो भाई, अरे ये क्या सीन था भाई, वो ऑटोमेटिक भाई हवा में मुक्के मार रहा था, मेरे को नहीं पता वो किसको मार रहा था, बट ठीक है जिसको भी मार रहा था। बट उसका जो एक बंदा था भाई वो पूरा जोश में था, उसने तो बोल ही दिया था कि भाई तूने मेरे टीममेट्स को मारा तो मारा कैसे, तो कोई दिक्कत ना भाई मैं अब उसको जाके पहले पहलूंगा। रुक जा भाई मैं आ ही रहा हूँ ऊपर, वेट कर तू। ठीक है, तो जैसे ये अब ये भाई साहब क्या कर रहा था यहाँ पर मेरे को नहीं पता, बट यार थोड़ा बहुत तो यार साउंड का सेंस होना चाहिए इसको, क्योंकि यार जैसे मैं ऊपर जा रहा था भाई यार इसने तो भाई मतलब क्या बोलूँ भाई इंजेक्शन मार रहा है, इसको ये नहीं पता कि भाई तेरे पीछे ही मैं जस्ट आया। मेरे को एक बार के लिए लगा कि भाई वहाँ पे कवर ववर में कहीं पर होगा, बट जैसे ही ऊपर देखा तो भाई अलग ही भाई पुचकारियाँ मार रहे थे ऊपर ही ऊपर। तो यार यहाँ पर अब एक ही चीज़ होती है कि भाई अब मेरे को यहाँ से शायद निकलना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यार सारे बंदे जो होते ना जो मैक्सिमम मेच्योर बंदे होते हैं जो समझदार बंदे होते हैं वो यहाँ पर ही उतरते हैं, एंड बाकी बंदों का कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि यार पूरे इरेंगल में भाई एक ही चीज़ है भाई, अब तो इवेंट पे ही बंदे मिलते हैं, ना कोचिंग की मिलते हैं ना अपार्टमेंट मिलते हैं, बस या तो ये जगह पे मिलेंगे और या तो वो जो भी अपना नया आया अपना ब्लड वाला जो भी इवेंट बोलो कस्टल बोलो, ठीक है तो वहाँ पर बंदे मिलेंगे। और अब हमारे सामने जो है गेम के डेवलपर्स लड़ रहे थे मतलब के बॉट, ठीक है अब सामने देख सकते हो कि भाई ये यहाँ पर जो है अब फायरिंग कहाँ से आ रही थी, स्मोक की वजह से यहाँ पर मैंने बोला था भाई अंधेरे में दिखता नहीं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नाइट जैसा कर देते, बट ठीक है अच्छा ही ऐसी बात नहीं है भाई बेकार है अच्छा बनाया, बट यहाँ पर सामने जो है डेवलपर्स लड़ रहे थे, मैं बॉट्स को भाई बीजेएमआई के डेवलपर ही बोलता हूँ। और अब ऐसे मारा इसको, और ये भाई पता नहीं अब कहाँ से आया, डोली नाम था इनका मतलब जो भी डोली चाय वाला नहीं मेरे भाइयों। अब देखो यार अब यहाँ पे एक ही चीज होती है, सामने से एक बंदा स्प्रे दे रहा था तो उसको सबसे पहले पहला, क्योंकि यार
दिक्कत दे सकता था ये बंदा, बट यार अभी मेरे को एक बार के लिए आइडिया लगा नहीं था कि भाई सामने बंदा था, बट पहले फायरिंग आ रही थी भाई उस बंदे की, शायद वो बोट उसी को ही मार रहा था, बट कोई ना यार बंदे का थोड़ा सा एम मिस हुआ एंड तुम्हारे भाई ने थोड़ा उसको लेट के मार दिया, एंड नॉर्मल सी बात है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक ही चीज होती है भाई, वो तो यहाँ से बाहर तो निकलेगा नहीं नोक हुआ, क्योंकि या तो टीममेट्स का वेट करेगा कि भाई कब बगी वगी लेके आए, और मैं उधर ओपन में जा नहीं सकता क्योंकि यार क्या पता भाई उसके बंदे कहाँ कहाँ पे लेटे होंगे। तो भाई एक ही बात होती है, या तो मेरे को डायरेक्टली किल मिल जाएगा या तो मैं उस पर नजर रखूँ, बट कोई इशू ना भाई, मैं थोड़ी देर के लिए उस पर नजर बनाए रखूंगा, क्योंकि यार अब इसमें ऐसी चीज हो सकता है कि भाई यहाँ पे उसकी बंदे आएंगे तो यार बगी से यार थोड़ा बहुत तो मारूंगा ना, ऐसी बात तो है नहीं कि भाई मैं मारूंगा नहीं। तो यार अब यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मैं वेट करता हूँ एंड सामने की तरफ देखता हूँ कि भाई यहाँ पे वो बाहर निकले एंड कब कोई उसकी बगी आए, तो मैं एक ही चीज़ का वेट कर रहा था, ऐसा ना हो भाई मेरे पीछे से आ जाए, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई की किस्मत इतनी बेकार है कि भाई मेरे को बंदे ऑलमोस्ट भाई ऐसे मारते हैं कि भाई जहाँ पे मेरी मैक्सिमम किस्मत ही बेकार रहती है भाई। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत बार जैसे कि मैं तीन बंदों से फाइट ले रहा हूँ, मैंने तीनों को मारा एंड भाई पीछे से कोई एक बंदा आएगा भाई वो मेरे को मार ही देगा। तो भाई वो तुम्हारी भाई की एक चलती फिरती किस्मत है जो हर बार लगती है, एंड सामने यार वो अभी तक मेरे को दिखा नहीं हो एंड बाहर तो निकल नहीं रहा हो, तो अब उसका मैं सोच रहा हूँ यार अब यहाँ से चले जाऊँ, बट मेरे को उसका किल मिल गया मतलब कि उसके टीममेट अब यहाँ पे नहीं आ रहे, तो अब यहाँ से जो है निकल जाना मेरे लिए थोड़ा सा बेटर। जैसे मैं यहाँ पे निकलने का सोचता हूँ तो यहाँ पर हमें को दिखते हैं एक बंदे, अब ये बंदा क्या करता है वो देखो भाई। अब मैं जैसे इधर से जाता हूँ ऊपर की तरफ, तो ये पहले तो मेरे को यहाँ पे ऊपर दिखता है, तो इसको यहाँ पे मैं मारने की ट्राई करता हूँ, बट वो भी मोली अंदर की तरफ था, बट वो भाग जाता है वहां से, थोड़ा सा गाइस ये बच गया एंड मोली इसको लगी, ऐसी बात नहीं नहीं लगी, ये देखो उधर की तरफ था, बट मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि वहां पर जाना थोड़ा रिस्की रह सकता है। अब मोली जो है मेरे को इतना पता नहीं था कि भाई जब भी गेम खेल रहा था मेरे को लगा कि भाई मोली नहीं लगी, बट जैसे जंप किया तो मोली उसको लगी हुई थी। अब जैसे मैं आगे जाता हूँ तो भाई साहब यहाँ पे मोली फेंक देते हैं, ये देखो अब भाई सही बता रहा हूँ ये मोली मेरे को पूरा ले जाती, ये अच्छी बात है मैं यहाँ पे लेट गया। लेटने से क्या होता है कि भाई ये यहाँ पे जो मोली का जो इफेक्ट रहता है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है डाउन होता है, एंड बाकी की तरफ से यहाँ पे जो है अब मैं क्या बोलूँ कि भाई यार ये जो बंदे ने भाई मेरे पे मोली डाली ना भाई, इसको तो मैं मार के ही रहूँगा, क्योंकि जिस तरह इसने मेरे को डैमेज दिया ना भाई, सही बता रहा हूँ भाई नेड तो इसके ऊपर धमाधम जाएंगे कुछ भी बोलो। ये गया पहला नेड हमारा, फट जा, नहीं फटा कोई इशू नहीं गाइस यार, दूसरा नेट ट्राई करेंगे, चले जा भाई चले जा फटाफट, ये दूसरा नेट गया फट जा, अब वो शायद ही फटेगा क्योंकि यार ये नेट थोड़ा सा पीछे गया उसके, बट मैंने सोचा कि भाई अब फैसला हो ही जाए क्योंकि इतनी देर से हम देख रहे हैं कि भाई ये कब से मतलब दुम तड़ाम तम दीदी दारा कर रहा है, मतलब जो भी बोलो यार अब क्या ही बोल सकते उसको, बट यार मैं थोड़ा सा मैं एक बार चीज ट्राई करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ से जो अगर मैं पीछे जाता हूँ तो वो फाइट मेरे लिए सही रहेगी, एंड पीछे की तरफ ही यार ये मेरे को यहाँ पे मिलता है, एंड यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ ये मेरे को कहाँ पर मिलता है। मैं एक बार के लिए सोचता हूँ कि भाई अब यहाँ पर आगे जाता हूँ, बट जैसे बगी आ जाती है भाई दोनों बंदों का भाई एक ही साथ में भाई हरियो मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब पेटी हुए जैसी बनाने मतलब नॉक कर दिया। अब आगे से एक गाड़ी जा रही थी, थोड़ा डैमेज पड़ता है, गाड़ी भी बोल सकते हो यार उसको, बगी भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, बट भाग गया यार थोड़ा सा, क्योंकि मेनली एक दिक्कत है वो मैं आपको बताता हूँ भाई। यार जो ये अपडेट है ना भाई, इस अपडेट में आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, आपका जायरो अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ तो यार मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है कार स्प्रे में एंड जो स्कोप टर्निंग में। एंड देखो अब ये बंदा जो ऊपर आ चुका है तो इसको पहले पहलता हूँ मैं, इस पर मोली फेंकता हूँ या तो स्मोक फेंकता हूँ, अब ये डरेगा तो उधर से निकलेगा, बट कोई ना भाई वो डरा ही नहीं, वो तो बेचारा एक ही जगह बैठ गया, मैं क्या बोलूँ। अब वो वही बंदा है जो हमारे को जो है पीछे वहाँ पे मिला था, एंड लास्ट में जाकर इसकी पेटी वायर फिक्स ही थी, बनना इसको लगा कि भाई मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो थर्ड पार्टी करके बंदों को मार दूंगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये बंदा कब से ऊपर ही बैठा था, बट सोचा होगा भाई नेड या कुछ तो ट्राई करूँ यहाँ से, बट हो जाता भाई कभी कभी नहीं होता, बट कोई इशू नहीं भाई नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करना। फिर मैंने सोचा अब यहाँ से निकलता हूँ, बट यार जैसे मेरे को आगे तरफ से फायरिंग आती है तो एक बार मैं सोचता हूँ ट्राई कर लेता हूँ देख के, और सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, मतलब यार उसको आप बंदा भी बोल सकते हो एंड भेड़िया भी बोल सकते हो, क्योंकि यार वो भेड़िया का मतलब बोले तो रूप लेके बैठा है अभी के हाल फिलहाल में। तो यार मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ पे जाता हूँ गाड़ी लेके या तो घोड़ा लेके, हमारे पास था ये वाला हॉर्स, तो अब ये घोड़ा चलो भाई मैं चल मेरे घोड़े टप 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 फटाफट चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी एक ड्रिंक व्रिंक मार लेता हूँ एंड यहाँ पे निकलता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि यार उनको मारना बनता है, क्योंकि भाई यार उसने यार भेड़िया लगा के रखा था, मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब कि यार ये जो बंदे रहते हैं ना भाई, वो पहली बात तो ये चीज़ कि भाई देखो जब आप नाइट से यार इधर आते हो ना भाई, वो पीछे से आप आगे आते हो ना तो एकदम दिन सा हो जाता है, तो यार ये चीज़ उन्होंने बहुत ही सही बनाई हमारे
मतलब जो भी बोलो यार, डेवलपर्स ना बहुत ही अच्छी बनाई ये वाली चीज। अब देखो आगे की तरफ यहाँ पर जो है बंदे दिख रहे हैं, तो यार मैं यहाँ पे जैसे दिखेगा तो उसको पेल दूंगा। तो यार यहाँ पे पहला बंदा तो मेरे को कोई दिख रहा नहीं है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं भाई, कहीं ना से कहीं ये बाहर निकलेगा। ओपन से जाऊंगा क्योंकि मेरे को अभी जो है बंदे की लोकेशन नहीं पता कि भाई बंदा है कहाँ पर। तो यार थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे एंड बंदे की लोकेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दो मतलब आराम से बंदे होंगे, क्योंकि वो बंदा भी फाइट ही ले रहा था, इसलिए भेड़िया बना था, छुप रहा था। अब यहाँ पर होता हूँ जैसा कि सामने की तरफ जो है मेरे को यहाँ पे बंदा दिखता है बालकनी में, तो उसको जो है मैं यहाँ से मार देता हूँ। वो देखना मैं कैसे मारता हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आ रहा भाई, वो एक गोली में कैसे मर गया भाई। ऐसा मत बोलना कि भाई मैं एक करवे करूँ, अब मेरे को नहीं पता भाई, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भाई वो एक गोली में कैसे मर गया। तो ये चीज़ होती है कि भाई ये BGMI का ये क्या है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। बट थोका गया तो हेल्थ कम होगी, या तो Level 2 का वो हेलमेट उसका डाउन होगा। और अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ मेरे को यहाँ पे डासिया का साउंड आता है, तो फटाफट से इनको पेलते हैं। थोड़ा डैमेज दिया कोई ना, चल भाई तू घर पे जा अपने। और ये भाई साहब अब पता है कहाँ से घूम के आ रहे हैं, देखो अब इसकी भी पेटी बनाते हैं, फटाफट से आ जा भाई। अब बेबी कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम अगर अच्छे से ट्राई करना अगर ऐसा हो तो। कभी कभी लाइफ में छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती हैं। एंड अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे भाई दोस्त, अब यहाँ पे जो है घोड़ा लेके मेरे को थोड़ा पीछे की तरफ भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ बंदों का बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है उसके बंदे भी आ सकते हैं। एंड पीछे से मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं मेरा अलग ही तरीके से गेम खेलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता अगर मैं वहाँ पर रहूँगा तो कोई ना कोई स्क्वाड आकर भाई मेरी टूटाई तो कर ही देगी। बोर लग रहा था बट जैसे दिखता है मेरे को सामने की तरफ एक बंदा उतरा है, ठीक है। मतलब तो यार अब वो बंदा मेरे को नहीं पता भाई रिकॉल होके उतरा है, अब इसको मैंने शायद पहले पहला होगा तभी यहाँ पर उतरा होगा, नहीं तो यार अब मेरे को नहीं पता भाई वो कैसे उतरा होगा, या तो किसी ने पहले भी उसकी फाइट चल रही होगी। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए, भाई सामने की तरफ जाता हूँ एंड उसकी जो है पेटी बना देता हूँ। तो अब यहाँ पर चलो यार, हमारा जो पीछे यार घोड़ा था, मैं सोचता हूँ एक बार के लिए भाई वही लेके जाऊँ। बट बोलते हैं ना कि भाई कभी कभी होता है कि भाई बंदे का इंसान सोचता है कि भाई पैदल चलना चाहिए, बट ले लेते हैं यार, कोई इशू नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जो है घोड़े साहब पीछे ही है, तो एक बार के लिए भाई हम लोग कर सकते हैं वेट के भाई यार, ठीक है। अब ये बोट्स भाई मारना ये तो चलता रहता, बट बहुत हो गया भाई, अब उसको लोकेशन तो पता चली गई। तो मैं सोचता हूँ चलो भाई निकलो अब घोड़ा लेके एंड उसके ऊपर करते हैं अब सीधा रश या पुश जो भी बोलो, बट लोकेशन मेरे को अभी भी उसकी नहीं पता परफेक्ट। अब सामने की तरफ होता कुछ ऐसा है कि वो एक बोट को मार रहा रहता है, बोट उसको मार रहा रहता है। तो अब मैं जाता हूँ सामने की तरफ, तो देखो भाई कहाँ से निकलता है ये। तो भाई मुझे नहीं पता था कि भाई ये अभी तक ऊपर ही है, पैराशूट से डायरेक्ट ऊपर ही उतरा। चलो यार नेक्स्ट गेम प्ले पे आते हैं। तो भाई यार अभी ये गेम प्ले में यार एक बात मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर जैसे मैं नीचे उतरता हूँ ना भाई, बंदे देखो यार थोड़ी बहुत बंदों के यहाँ पे लेट लैंडिंग होती है, और यार तुम्हारा भाई मौके का फायदा उठाने में बहुत ही अच्छा माहिर है। तो अब फटाफट से गन ढूंढता हूँ, बंदे अभी तो उतरे नहीं, और सामने की तरफ भाई साहब हमारे होते हैं हमारे बंदे लैंड। अब इसको पहला, चल भाई चल ठीक है भाई कोई दिक्कत ना, कभी नेक्स्ट टाइम आइयो, कभी मिलते हैं अच्छे से बैठ के चाय पियेंगे। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर जो है आगे तरफ और भी बंदे थे, तो मैं सोचता हूँ भाई नीचे की तरफ सीढ़ियों की तरफ एक बार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी बंदे हो सकते हैं फुट से आ रहे। तो एक बंदा मेरे को दिखता है, अब साले ग्रीन खरबूजे। अब भाई मेरे को एक बार के लिए लगा किल गया मेरा, बट यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे ऊपर से तरफ देख रहा था, ये है तुम्हारे भाई की किस्मत। तो भाई कभी कभी गाइस यार लाइफ में डिप्रेशन एंड टेंशन रहता है, तो कोई इशू ना। बट जैसे मैं यहाँ पर उतरता हूँ वापस से रिकॉल होकर, तो एक बंदा सामने था। अब ये बंदा साला अंदर भाग गया थोड़ा सा, नहीं तो फिनिश ही देता। दूसरा बंदा, अब भाई दूसरे बंदे को भी यहाँ पे बहुत ही मस्त यहाँ पे प्यारा सा मारा है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचा भाई इसको लूट वूट लेते हैं। अब यहाँ पर मेन दिक्कत पता क्या थी भाई, पीछे की तरफ एक बंदा था एंड मेरी जो हेल्थ थी भाई पूरी की पूरी भाई डाउन थी भाई। थोड़ा सा बचा हूँ मैं भाई, थोड़ा सा लिट गाइस मैं थोड़ा सा बचाऊं। एंड अब यहां पर जो है सोचता हूं भाई ऊपर वाले बंदे को फटाफट से यहां पे पेटी वेटी बना करता हूं, बट थोड़ा बहुत मैं ध्यान रखता हूं कि भाई मेरे को कहीं और से ना पड़ जाए भाई, तो कुछ बोल नहीं सकते। ये रहा, अब जैसे मैं इसको मारता हूं तो ऊपर की तरफ यहां पे दिखता है मेरे को सामने वाले बंदे का फुट से यहां पे आ जाते हैं। देखो वो रहा सामने की तरफ, अब थोड़ा बहुत यहां पे छुपना पड़ेगा, बट भाई होता है क्या भाई, अभी तो वो मेरे को मार सकता था भाई, जंप वाला बटन गलती से क्लिक हो गया था। अब कोई इशू नहीं भाई, अब यहां पर एक चीज है कि भाई इसको फटाफट से मारता हूं मोली की उसने मेरे पे, अब भाई उसकी आ जाती रिलोड। और भाई मेरी ये क्या कर रहा था मैं भाई, सही बता रहा हूँ मैं भाई, वो चीज मेरे को मरवा देती अगर उसका रिलोड नहीं आया होता। और भाई मैं पिक ले रहा था ना भाई, तो भाई मैं क्लिक कहीं और कर रहा था भाई। ये गेम में भाई हर बार बग्स होते हैं भाई,
क्या बोल सकते हैं मैं अब यार, बहुत लोगों को लगा होगा मैंने उस पर क्लिक किया, भाई मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, मैं जब स्कोप पे क्लिक कर रहा था ये चीज़ मेरे 2-3 बार हो चुकी है 3.4 अपडेट आने के बाद। एंड अब सीधा जाता हूँ यहाँ पे, बाइक लेके मैं पहले वहाँ पे गया था, यहाँ पे वापस से बोट था तो बोट को फटाफट से पहला मतलब कि मारा और फटाफट चलो अब यहाँ से निकलते कहीं और जगह, क्योंकि बोट को तो हमने पहले ही दिया, क्योंकि मैं कहीं दूसरी मैं पेट्रोल पंप पे चले गया था एंड वापस से यहाँ पे आया बोट का फायरिंग सुन के। मेरे को लगा एक बार के लिए भाई कोई बंदा होगा, बट यहाँ पर जो है कोई भी नहीं है एंड मुझे पहले ही पता था कि भाई यहाँ पे कोई नहीं होगा। एंड अब मैं आगे की तरफ, यहाँ पे जब भी मैं घोड़ा लेके यहाँ की तरफ आ गया था, मतलब लिपोआ की तरफ आ गया था, तो अब जो भी बोलो भाई, अब सामने की तरफ भाई मेरे को पैराशूट लगा, मेरे को लगा कि भाई वो ड्रॉप है, बट भाई वो ड्रॉप नहीं था, वो कोई बंदा उतर रहा था जो शायद ऑफलाइन था। तो मैं एक बार के लिए जगह देखता हूँ कि भाई क्या पता यार वो बंदा ऑफलाइन है या ऑनलाइन ही है, क्या पता भाई हिलने लग जाए वहाँ पे जाके। बट यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो जो बंदा था सीधा जाके पानी के अंदर बैठ गया, बैठ गया मतलब भाई तैरने लग गया, ठीक है। अब वो मेरे को ऊपर से दिख रहा था तो मैंने सोचा पहलो भाई अब इसको, तो अब देखो थोड़ा बहुत यार गाइस अगर आपको दिख रहा है तो देखो वो रहा, तो नॉक कर दिया। चलो भाई अब पूरा इसको फिनिश ही डाल के जाता हूँ भाई। एंड भाई ये जो था ये बंदा ही था, और हमारे घोड़े भाई रेडी है, चल भाई मेरे घोड़े चल फटाफट भागा यहाँ से। भाई यार तुम्हारे भाई की गाड़ी निकलती है अब यासना से, मतलब के सॉरी जो भी हो, यहाँ पे जंप लेता हूँ एक सामने की तरफ। एंड मेरे को लगा भाई रिकॉल की तरफ कोई ना कोई बंदा तो होगा, बट सामने से दिखती है भाई मेरे को बाइक आते हुए, तो भाई तुम्हारा भाई उतरता है यहाँ से एंड सामने वाले को फटाफट से यार बाइक से नीचे उतारने का टाइम आ गया भाई। इसकी तो देखते ही मतलब पेटी बन गई भाई, मैं क्या बोलूँ भाई, बेचारी गाड़ी यहाँ पे पड़ी, पेटी उधर पड़ी। तो कोई ना अब यार इसको तो फिनिश किया, मेरे को लूटने का मन वैसे भी नहीं हो रहा था तो, बट फिर भी सोचा भाई थोड़ा बहुत लूट लेते, बट ये खुद बंदा बेचारा गरीब था, बेचारा गरीब आदमी को गलत मार दिया गाइस यार मैंने। चलो यहाँ से भी निकलते हैं फटाफट, रिकॉल पे भी मेरे को लगता नहीं कि भाई कोई बंदे हैं। फिर तुम्हारा भाई आ जाता है सीधा का सीधा यहाँ पे जोड़ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट चली थी तो सामने की तरफ भाई गाड़ियाँ पड़ी थी बहुत ही भरपूर, और इस तरफ यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ स्क्वेड हाउस की तरफ कोई भाई बंदा दिख जाए तो अच्छी बात है। एंड जैसे मैं यहाँ पे देखता तो भाई एक बंदा जो था यहाँ पे ऊपर की तरफ किसी बंदे को मार रहा था, मतलब वो आगे वाले बंदे को मार रहा था, तो पहले इसको टपकाते हैं भाई, इसको तो नहीं छोड़ूंगा भाई, नीचे चले जाएगा रिवाइव लेगा, मारो इसको तो। हाँ भाई यार ये होती है खुशी गाइस यार, जब आपको अच्छे से आपका परफेक्ट किल मिल जाए। सामने की तरफ अब यहाँ पे स्मोक हुआ था, सोचा भाई एक बार इधर भी देख लिया जाए, थोड़ा बहुत इधर भी मार लिया, बट शायद स्क्वेड हाउस पे यहाँ पे बंदा मेरे को लग रहा था तो सोचा कवर में ही लेके मारू। अब भाई वो शायद मेरे को ही देख के रुका था या तो मेरे पे स्प्रे देने की ट्राई कर रहा होगा, बट कोई इशू नहीं भाई, जब बंदा सामने लेटा हुआ स्प्रे तुम्हें दे रहा हो तो वहां से तुम्हें शायद अपना खड़ा हुआ मुंह हटा लेना चाहिए, बट कोई ना, अब तुम्हारी मैंने पेटी बना दी। अब मेरा जो है एक ही वेट था भाई चल भी जाए अब यहाँ से, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि भाई अब यहाँ पर कोई है वगैरह या एक बंदा होगा, बट मेरे को लगता नहीं वो निकलेगा, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब मेरी घोड़े की सवारी, चल मेरे घोड़े फटाफट यहाँ से निकल ले और चलते कहीं और बंदे को। तो भाई यार यहाँ से चलते हैं हम लोग, इधर आ जाते भाई हॉर्स लेके यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरे को एक सामने से एक जो बंदा था वो पैराशूट से उतरता है, तो पहले उसको यहाँ पे धोता हूँ मैं, देखो बोरा अब जैसे दिखता है इसको मारता हूँ। अब यहाँ पे इससे तो भाई टेप टेप से तो पता नहीं कब मरेगा, बैरल से थोड़ा मारता हूँ। भाई एक गोली नहीं लग रही क्यों भाई, सामने वो बंदा था बट एक गोली नहीं लग रही भाई, ये चीज मेरे को नहीं समझ आई, क्योंकि मैंने उस पर मारने ट्राई की, शायद ऊपर से जा रही कुछ तो यहाँ पे जायरो का मेरा कुछ तो हुआ है। चलो थोड़ा क्लोजअप जाते हैं एंड उसको फिर फिनिश करते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट में मेरे साथ क्या सीन होता है वो भी देखना यार, तुम्हारे भाई की अभी थोड़ी देर में पेटी बनेगी, बट पहले इसको यहाँ पे मारता हूँ। अब इसको जैसे मारा, अब यहाँ पे भाई ये चीज क्या थी भाई मेरे को कोई बताना। अब भाई मैं कैसे मरा यहाँ पे भाई, चांस ही नहीं था मेरे पास मरने का। बट यार इसका बंदे का सामने वाले का मैं आपको पीओवी दिखाता हूँ भाई, उसने मेरे को किस तरह से मारा वो भी देखना भाई। यार मतलब सही बता रहा हूँ, आजकल कोई मूवमेंट की कोई मतलब बात ही नहीं है भाई, कि भाई आप मूवमेंट दो या ना दो एक ही चीज़ है, क्योंकि क्या ही बोल सकते हैं। अब देखो यार ये बंदा ये रहा, अब ये बंदा जैसे नीचे जाता है ये देखो मेरे को कैसे मारता है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इसका ध्यान इधर था, पीछे से मेरा जो हॉर्स है उसको साउंड आ गया होगा शायद तक मेरे हिसाब से, और जो इसका टीममेट था उसको मैंने यहाँ पे पहले मारा जो पीछे की तरफ था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर आता हूँ देखो, इसको जैसे ही फिनिश किया, जैसे ही मैं अंदर आता हूँ ये देखो मेरे को कैसे मारता है भाई, अजीब ही तरीके से मारता है भाई, एक जगह पे खड़ा होकर उसने मारा, और भाई लिटरली 1 HP था ये, मतलब मरने वाला ही था बट बच गया। चलो कोई ना यार, इसी तरह तुम्हारे भाई के गेम प्ले आते रहते हैं तो सब्सक्राइब मेक श्योर के जरूर कर लेना।